हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं एनडीए एयरफोर्स और नेवी का। आपके पास बैच चल रहा था सिलेक्शन बैच, तो आपके पास आज लेक्चर नंबर 10 होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, वन डायमेंशन मोशन का पार्ट नंबर 3 लेक्चर नंबर 10 आपके पास होने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले दोस्तों आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, एनडीए एयरफोर्स और नेवी का सिलेक्शन बैच आपके पास होने के लिए जा रहा है दोस्तों। इसके 9 आपके पास मैंने लेक्चर सारे के सारे प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। तो पहले आप उनको देखिए, फिर आपके पास लेक्चर नंबर 10 को देखिए। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं आपके पास वन डायमेंशन मोशन आपके पास पार्ट नंबर 3 की। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और अपने प्यारे चैनल आशीष चिकना को सब्सक्राइब जरूर किया जाएगा, जिसका आपके पास लोगो मैंने बनाया इसका आशीष चिकना। तो दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों तक भी पहुंचाना, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स नेवी और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है भाई, कोरोना वायरस की महामारी के कारण सभी अपने घर पे हैं। तो दोस्तों, सुरक्षित रहें, घर पे रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला आपके पास टॉपिक प्रस्तुत हो रहा है। तो दोस्तों, पहली बात आती है आपके पास औसत चाल, जिसे आप क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपके पास दोनों मीडियम में करवाएंगे। तो आपके पास औसत चाल क्या होता है, तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय। तो इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं, औसत चाल आपके पास क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है आपके पास, और तय की गई दूरी आपके पास क्या कहलाती है, डिस्टेंस ट्रेवल कहलाती है, और लिया गया समय आपके पास टाइम टेकन कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अपने नोट साथ साथ बनाते रहे। एवरेज स्पीड क्या कहलाएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आपने कितना किया है टोटल टाइम के अंदर दोस्तों, क्या कहलाएगा आपके पास, एवरेज स्पीड कहलाएगा दोस्तों। पहला पॉइंट आप नोट कर लें, पॉज कर लें। दोस्तों, मैंने टिक कर रखा, पहला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है आपके पास औसत वेग क्या होता है, जो आपके पास वी एवरेज से लिखा जाता है दोस्तों। ये आपके पास होता है डेल एस बाय डेल टी। यहां पे डेल एस क्या होता है, यहां पे आपके पास डेल एस विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, बटे में लिया गया समय आपके पास एज इट इज। तो आप इसके फॉर्मूले को लिखें, वी एवरेज इज इक्वल टू डेल एस बाय डेल टी। डेल एस क्या है, यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो दोस्तों, आपके चैनल के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको बताया जाता है दोस्तों। अब आपके पास नीचे वाला एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, आप इसको लिख लें, नोट कर लें। फिर हम चलते हैं इसके आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, देखिए। अब बात आती है दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, एवरेज स्पीड की बात आती है दोस्तों। किसी कण का क्या लिख रखा है, किसी कण का किसी दिए गए आपके पास समय अंतराल में तय दूरी आपके पास और उसका समय अंतराल आपके पास अनुपात औसत चाल कहलाती है, जबकि विस्थापन व समय अंतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। तो इसका आपके पास ये क्या बोलता है, किसी कण का किसी दिए गए आपके पास समय अंतराल में तय की गई आपके पास दूरी समय अंतराल का अनुपात औसत चाल कहलाता है दोस्तों, जबकि आपके पास विस्थापन व समय अंतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है दोस्तों। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज। एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल, जिसे आप बोलते हैं, डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो, डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू द टाइम टेकन विल द एवरेज वेलोसिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। आपके पास इसमें क्या बात कहता है, ये आपके पास एवरेज स्पीड तो होता है रेशियो ऑफ किसका, जितना आपने दूरी तय की है कितने टाइम के अंदर, वो तो कहलाएगी आपके पास एवरेज स्पीड, औसत आपके पास चाल कहलाएगी। अब बात करते हैं आपके पास औसत आपके पास वेग क्या कहलाएगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द डिफाइन द रेशियो ऑफ किस किस का, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो किस किस रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपके पास औसत वेग कहलाता है दोस्तों। नोट कर लें, पॉज कर लें। फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट आपके पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने क्या नोट करना है दोस्तों। आपके पास बात आती है औसत जो चाल होती है वो आपके पास अदिश राशि होती है,
क्या बात कर रहे हो, राशि आपके पास औसत साल आपके पास अधिक राशि होती है, मतलब जो आपके पास क्लियर क्वांटिटी अधिक राशि जिस आपके पास ओनली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन जिसकी नहीं होती आपके पास। अब बात करते हैं औसत साल आपके पास अधिक राशि जबकि औसत वेग आपके पास सदिश राशि। सर क्या बात कर रहे हो, औसत साल तो हो गया आपकी अधिक राशि और औसत वेग हो गया सदिश राशि। दोस्तों औसत वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या होती है, सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है दोस्तों। और आपके पास मेन इंपोर्टेंट बात यह आई है दोस्तों, दोनों का मात्रक आपके पास मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट आपके पास एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द आपके पास दोनों आपके पास एक आपके पास स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी बट जिसका आपके पास मात्रक मतलब जिसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। आप नोट कर लें, पहला पॉइंट आप नोट कर ले, पॉज कर ले, फिर आपके पास सेकंड पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट आपके पास दोनों की ये वीमाई क्या होती है, मतलब डायमेंशन फार्मूला क्या होता है दोनों का, एम जीरो एल टी माइनस वन जो आपके पास डायमेंशन फार्मूला होता है। जल्दी है आप नोट कर ले, पॉज कर ले, फिर हम चलते हैं इसके थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत है। तो थर्ड नंबर पॉइंट क्या बोलता है, फॉर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मतलब दिए गए आपके पास समय अंतराल में एवरेज वेलोसिटी इज ए सिंगल वैल्यू। एवरेज वेलोसिटी का मान क्या होता है, औसत वेग का मान एक ही मान होता है आपके पास गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। आपके पास सिंगल वैल्यू के अंदर क्या होता है, औसत मान आपके पास एक ही होता है जबकि औसत चाल एक आपके पास एक से अधिक मान हो सकता है। दोस्तों क्या बात कर रहे हो सर, यह आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप नोट करें इसे। दिए गए आपके पास समय अंतराल में औसत वेग आपके पास एक ही मान होता है औसत वेग का बट आपके पास औसत चाल आपके पास एक से अधिक मान होता है दोस्तों। आपके पास इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इसको, फॉर ए गिवन इंटरवल आपके पास एवरेज वेलोसिटी का गिवन इंटरवल आपके पास टाइम का एवरेज वेलोसिटी गिवन इंटरवल इज सिंगल वैल्यू, आपके पास सिंगल वैल्यू होती है विल एवरेज स्पीड कैन आपके पास मे वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ बोलो, जो आपके पास जो वैल्यू होती है किसकी, औसत चाल की, वो आपके पास एक या एक से अधिक मान हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप इसे नोट कर लें, पॉज कर लें और साथ साथ दोस्तों अपने साथियों तक भी पहुंचाएं और अपने साथ साथ अपने नोट्स भी रेडी करते रहे दोस्तों। दोस्तों काफी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें औसत वेग और औसत चाल आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोस्तों मैंने आपके लिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में प्रोवाइड करवाया है दोस्तों मैटर। तो दोस्तों सिलेक्शन बैच आपका लेके चले, हम इसके तह तक जाएंगे दोस्तों, आप टेंशन बिल्कुल ले लें। अब दोस्तों आगे आपके पास पॉइंट नंबर फोर की बात करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों देखिए पॉइंट नंबर फोर क्या बोलता है, यदि गति के बाद वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आती है। क्या कर रहे हो, गति के बाद अपनी वस्तु कहां आती है, प्रारंभिक मतलब जहां से चली है वही आपके पास आती है, तो आपके पास वी एवरेज किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है दोस्तों। अब मैं यहां तक की पॉइंट को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, फॉर आफ्टर मोशन आपके पास कोई बॉडी कर रही है कम आपके पास बैक टू द इनिशियल पोजिशन आपके पास वी एवरेज इक्वल टू जीरो। और आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक डेल आर की वैल्यू इस केस में आपकी जीरो होती है बट आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां से चूंकि आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है बट वी एवरेज आपके पास ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, जीरो से ज्यादा होता है। एंड आपके पास फाइनाइट केस में क्या होता है, सीमित केस में आपके पास डेल एस का मान जीरो से बड़ा होता है दोस्तों। क्या बात कर रहे हो सर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। तो दोस्तों आप नोट कर लें इसे, टेंशन बिल्कुल ना लें दोस्तों, आप इंग्लिश मीडियम और आपके पास हिंदी मीडियम दोनों में नोट करें, हम जाएंगे फिजिक्स के तह तक जाएंगे दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन ना लें दोस्तों, मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। अब के बाद जो आपके पास नेवी का और आपके पास एयरफोर्स का पेपर होगा और एनडीए का पेपर होगा दोस्तों, 100% गारंटी देता हूं फिजिक्स के पेपर में आपके पास एक भी नंबर कोई काट ले तो, यदि आपने मेरे लेक्चर को पूरा देखा हो तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपके साथ। दोस्तों इसे जल्दी जल्दी नोट करें, पोस्ट कर ले दोस्तों। तो दोस्तों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें
क्योंकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास आ जाए इसका नोटिफिकेशन। जो दोस्तों जल्दी आप नोट कर लें, पोज कर लें, फिर हम इससे आगे पॉइंट पे आपके पास फिफ्थ नंबर पॉइंट की चर्चा करते हैं, वो आपके पास प्रस्तुत करते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। आप देखिए फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है आपके पास, ये बोलता है किसी आपके पास गतिशील वस्तु के लिए औसत चाल कभी भी आपके पास ऋणात्मक नहीं होती और आपके पास शून्य नहीं हो सकती। कोई आपके पास गतिशील, आपके पास कोई वस्तु, आपके पास मूविंग बॉडी, आपके पास उसके लिए कोई आपके पास औसत चाल कभी भी आपके पास ऋणात्मक मतलब नेगेटिव और आपके पास शून्य मतलब जीरो नहीं हो सकती। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, जल्द आप इसे नोट कर लें, पोज कर लें, फिर आपके पास हम चलते हैं। जब तक इसमें आपके पास पॉइंट आपके पास आया है यहां पे, जब तक टी की वैल्यू आपके पास टेंस टू इन्फिनिटी होती है, जबकि आपके पास औसत वेग शून्य हो सकता है, कंडीशन आपके पास ही आई। क्या बात कर रहे हो सर, कंडीशन तो हम नोट करेंगे। तो दोस्तों नोट कर लें, किसी गतिशील वस्तु के लिए औसत चाल हमेशा ऋणात्मक होती है। दोस्तों आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, तो दोस्तों इसे नोट करें, किसी गतिशील वस्तु के लिए औसत चाल आपके पास ऋणात्मक होती है और आपके पास शून्य नहीं हो सकती। आपके पास अब बात कर रहे हैं, यदि आपके पास टाइम आपके पास टेंस टू कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो आपके पास जबकि औसत दूरी आपके पास उस केस में जीरो हो सकती है, बट आपके पास सिंपल केस में आपके ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकती जब आपके पास कोई वस्तु गतिशील कर रही है। दोस्तों अब मैं इस पॉइंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं आपके लिए। फॉर ए मूविंग बॉडी, कोई वस्तु क्या कर रही है, मूव कर रही है, एवरेज स्पीड कैन में आपके पास कैन नेवर बी नेगेटिव आपके पास और जीरो। कोई वस्तु आपके पास क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती, बट आपके पास टी टेंस टू जीरो एवरेज वेलोसिटी आपके पास जीरो हो सकती है। दोस्तों तो दोस्तों वी एवरेज आपके पास यदि ज्यादा हो जीरो से, तो आपके पास इस केस में मैंने बात क्या बताई, टी स्टैंड टू जीरो, उस केस में आपके पास जीरो के बराबर हो सकती है। दोस्तों आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों आप देखिए स्पेशल आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बेस पर न्यूमेरिकल करवाएंगे आपके लिए। यदि आपके पास कण किसी दूरी को v1 चाल से तय करता है, कोई आपके पास पार्टिकल है वो मूव करता है आपके पास डिस्टेंस एट ए स्पीड v1 जिसकी है, तथा आपके पास कम बैक वो आपके पास वापस आता है बिंदु पर जिसकी आपके पास v2 चाल हो जाती है, तो उस केस में आपके पास v एवरेज आपके पास क्या लिखा जाएगा, 2v1 v2 बाई v1 प्लस में v2। आप ये फॉर्मूले को ध्यान रखना दोस्तों, इसके बेस पे अभी आगे न्यूमेरिकल होगा, आप बिल्कुल टेंशन ले लें, न्यूमेरिकल और आपके पास कॉन्सेप्ट के हम तय तक जाएंगे दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन बिल्कुल किसी प्रकार की न लें। तो v एवरेज इज इक्वल टू आपके पास जीरो, इस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास जीरो होती है, किस केस में आपके पास v एवरेज केस में। दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, क्या फॉर्मूला बोलते हैं ये, If a particle moves a आपके पास डिस्टेंस एट ए स्पीड वी वन, कोई पार्टिकल है कोई कण आपके पास कोई दूरी तय करता है वी वन चाल से, तथा वो वापिस आता है आपके पास वी टू पर, तो उसका जो आपके पास वी एवरेज होगा वो आपके पास टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस में वी टू होगा। दोस्तों आप इसे नोट कर लें, पोज कर लें, फिर हम आपके पास इससे आगे चलते हैं, वो आपके स्क्रीन के ऊपर एक और पॉइंट है। दोस्तों यदि कण दो आपके पास बराबर समय अंतराल के लिए गति करता है, इफ ए पार्टिकल मूव्स ऑफ द टू इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई आपके पास पार्टिकल मूव करता है किसी भी आपके पास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वी एवरेज आपके पास क्या कहलाता है, दो आपके पास पार्टिकल ही बात हो रही है वी वन और वी टू के, दोनों को क्या कर दें, सम कर दें और उसे टू से आप डिवाइड कर दें। दोस्तों तो जल्द आप इसे दोनों के फॉर्मूले आपका नोट कर लें, पोज कर लें दोनों फॉर्मूले को, उनके बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन अभी प्रस्तुत होने के लिए जा रहा है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे अपने चैनल को। दोस्तों बात आती है, आप ये फॉर्मूले का नोट करें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपके पास कण है, आपके पास कण की बात हो रही है, दो बराबर आपके पास समय अंतराल में दिया गया है,
तो उसकी गति आपके पास वी एवरेज कितना होगा, वी वन प्लस में वी टू इज बाई टू के बराबर होगा। दोस्तों इसे आप नोट कर लें, पोज कर लें, कोई टेंशन की कोई बात नहीं दोस्तों। एनी क्वारी एनी डाउट सो प्लीज कमेंट बॉक्स, आपके चैनल के ऊपर जाइए, आपकी प्रत्येक बात को सुना जाएगा दोस्तों। ऐसी बात नहीं, प्रत्येक रिस्पॉन्स आपके पास, उसका आपके पास रिस्पॉन्स देता हूं प्रत्येक आपके पास कमेंट का, आप बिल्कुल टेंशन ले लें। अब इसके बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल प्रस्तुत हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, देखिए न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल आपके पास क्या कहता है, एक कार आपके पास ट्रेवल करती है फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैलेस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट आपके पास हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी, एवरेज स्पीड आपकी कार की क्या कहलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, आपके पास चार ऑप्शन आपके पास गिवन है, 100 किलोमीटर प्रति आवर, 50 किलोमीटर प्रति आवर, 48 किलोमीटर प्रति आवर और 200 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोस्तों बात करते हैं, कोई आपके पास क्या दे रखी स्टेटमेंट इसकी, एक कोई कार है दो स्थानों के बीच आपके पास की पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करती है और फिर आपकी वो चलती है वो आपके पास 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो आपने क्या निकालनी है, औसत चाल निकालनी। दोस्तों मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला आपके पास नोट करना, वी एवरेज इक्वल टू टू वी वन वी टू बाई आपके पास वी वन प्लस में वी टू। दोस्तों मैंने इसका प्रूफ आपके पास राइट हैंड साइड कर रखा, दोस्तों आप देखें इसको, वी एवरेज इक्वल टू टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस में वी टू, टू वैल्यू रखी, वी वन आपके पास पहली दूरी 40 है 40 फुट की, दूसरी आपके पास 60 है वी टू की जगह 60 फुट की, बटे का साइन लगाया, वी वन की वैल्यू 40 रखी, वी टू की वैल्यू मैंने 60 रखी। तो दोस्तों मैंने दो जीरो से दो जीरो कट कर दी और आपके पास 64 जा और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 48 किलोमीटर प्रति हावर आपके पास इसका रिजल्ट आपके पास प्राप्त हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल को नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर हम चलेंगे इससे आगे, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके पेपर में आने लायक। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा, पोज कर लिया होगा न्यूमेरिकल को, काफी आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें बात कर रहा था। दो पॉइंट आपके पास, ए पॉइंट मान ले बी पॉइंट मान ले, पहले आपके पास दूरी तय करता है 40 किलोमीटर की और शेष बची हुई दूरी को तय करता है 60 किलोमीटर से। दोस्तों आपके पास उस चार पूछ रखी है, एवरेज स्पीड पूछ रखी है, तो वी एवरेज इक्वल टू टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस में वी टू कर दीजिए आप और आपके पास सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए, जैसे आपके पास 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 बटे में 40 प्लस 60, वी वन का मान आपके पास 40 दे रखा है और वी टू का मान आपके पास 60 दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों आप दोनों वैल्यू पुट किया, दो जीरो से दो जीरो आपके पास कट गई, आपके पास रिजल्ट कितना मिल गया, 48 किलोमीटर प्रति आवर और ये ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन न लें। अब बात करते हैं इसके आगे न्यूमेरिकल आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, देखिए इसमें दिया गया आपके पास आर कोई त्रिज्या है, मतलब आपके पास पहले मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं इसको, द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द रेडियस आर, आपके पास ये दिया हुआ है आपके पास आर त्रिज्या के एक पूरे चक्कर में औसत चाल व औसत तो आपके पास वेग क्रम से होंगे, आपके पास कब होंगे, जब आपके पास टी इज, आपके पास टी का वैल्यू क्या होगी, टाइम इज टेकन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, आपके पास मतलब पूरी की पूरी आपके पास कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं, आपके पास कंप्लीट वन रिवोल्यूशन की बात कर रहा है दोस्तों। तो आप इसके, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं इस क्वेश्चन को, आर त्रिज्या के एक दूसरे चक्कर में, आर आपके पास क्या लिया गया है, रेडियस लिया गया है, मतलब त्रिज्या लिए गए दोस्तों, चक्कर में औसत चाल व औसत वेग क्रम से आपके पास होंगे,
एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया आपके पास समय कहलाता दोस्तों। तो आपके पास चार ऑप्शन आपके गिवन है। पहला ऑप्शन आपके पास ये बोलता है पाई आर बाय टी और आपके पास जीरो। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये बोलता है टू पाई आर बाय टी, फिर आपके पास पाई आर दोस्तों बाय टी। और थर्ड ऑप्शन आपके पास टू पाई आर टी और आपके पास जीरो। और आपके पास फोर्थ ऑप्शन ये बोलता है जीरो और टू पाई आर बाय टी। तो दोस्तों इसको आप मैंने सोल्व किया तो आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन नंबर थर्ड को अंडरलाइन कर दिया। दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। जो फार्मूले क्या थे वही दो फार्मूले लगेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको करके देखना, मैंने इसको सोल्व कर लिया और मैंने इसका आंसर आपके पास थर्ड बता दिया दोस्तों। आप इसे नोट कर लेना, दो फॉर्मूले लगेंगे आपके लिए, एक मैंने करवा दिया, एक आपके प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अपने हाथ को थोड़ा बहुत हिलाइए और हमारे साथ जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपनी मेहनत करें और दोस्तों अपने गोल को अचीव करें दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन ले लें, आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपके पास फिजिक्स की क्या निकाल देंगे दोस्तों, जड़ से आपके पास करवाई जाएगी दोस्तों फिजिक्स को। आप बिल्कुल टेंशन किसी प्रकार की न लें। तो दोस्तों जल्दी आप इसे नोट कर लें, पॉज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, देखिए। अब इसमें क्या बोलता है आपके पास, एक बालक है आपके पास, एक बॉय कवर ए डिस्टेंस, कोई आपके पास बालक है जो डिस्टेंस कवर करता है ए बी ऑफ ए 2 किलोमीटर विद ए स्पीड, जो आपके पास ए से लेके बी तक की दूरी आपके पास 2 किलोमीटर की है, वो आपके पास स्पीड तय करता है किस स्पीड चल रहा है, 2.5 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चल रहा है। व्हील गोइंग फ्रॉम ए टू बी, जो आपके पास गोइंग कर रहे हैं मतलब चल रहे हैं ए से लेके बी तक, एंड कम्स आपके पास वापिस आते हैं बी से लेके ए पॉइंट तक, जो आपके पास 0.5 है। आपने इस केस में एवरेज स्पीड निकालने, चार ऑप्शन आपके पास गिवन है दोस्तों। इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, एक बालक है 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मैंने डायग्राम बना दिया ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक की, आपके पास दूरी आपके पास टोटल 2.5, गति चल रहा है और दूरी आपके पास 2 किलोमीटर है। अब वो जो वापिस आ रहा है वो आपके पास, मैंने वापिस लेने की तिथि आपके पास कर दी 0.5, और आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया दोस्तों, 2v1v2 / v1 + v2, सारी वैल्यू को पुट किया, आपके पास 0.83 किलोमीटर प्रति हावर आपके पास आ गया। आप नोट कर लें, पॉज कर लें। आपके पास नेक्स्ट बात आती है, एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, जिसे आप क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर आपके पास त्वरण कहलाती है। आपके अंदर वेग के अंदर, वेलोसिटी के अंदर जो चेंजमेंट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट, आपके पास वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। आपके पास एक्सेलरेशन कहलाती है दोस्तों। जल्द आप नोट कर लें, पॉज कर लें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज अ डिफाइन एज, ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन कहलाती है दोस्तों। जल्द आप नोट कर लें, पॉज कर लें। आप बात लेकर चलते हैं, ये आपके पास कैसी क्वांटिटी है उसकी बात लेकर चलते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रस्तुत करते हैं। आपके पास बात आती है, जो आपके पास एक्सेलरेशन होता है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है दोस्तों, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है दोस्तों। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट आपके पास क्या बोलता है, इस डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी, एंड नोट द वेलोसिटी ब्रैकेट आपके पास, दैट इज वाई एक्सेलरेशन इन द सर्कुलर मोशन टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बात कर रहे हो सर, यह पॉइंट क्या है, इसे प्रस्तुत करें। तो दोस्तों टेंशन बिल्कुल न लें, हिंदी में बता देता हूं मैं इसको, किसी की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है,
क्या बात कर रहे हो सर, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है ये तो आप इन्हें नोट करते हैं दोस्तों, नोट करें। किसी की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है आपके पास, और आपके पास इसीलिए आपके पास वर्तीय गति में त्वरण आपके पास केंद्र की ओर रहता है दोस्तों। तो आप जल्दी से पॉइंट को नोट कर लें, पोज कर लें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए दोस्तों। अब बात आती है का आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ट्रांसलेट करता हूं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भी नोट कर लेना। इसमें यह बोलता है तीन आपके पास केस बना रखे हैं मैंने। पहला केस है टू चेंज द डायरेक्शन नेट एक्सेलेरेशन ऑफ द नेट आपके पास फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, दिशा बदलने में कुल आपके पास त्वरण या आपके पास कुल बल वेग की दिशा के आपके पास लंबवत होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इन दिस केस, इस केस के अनुसार नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन शुड बी आपके पास पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या बोलता है, कुल आपके पास बल या कुल त्वरण वेग के आपके पास समानांतर या प्रति समानांतर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके पास सरल रेखीय होना चाहिए। फिर बात कर रहे हैं आपके पास इन द केस नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन है द टू कंपोनेंट, वन कंपोनेंट इज पैरेलल और आपके पास एंटी पैरेलल वेलोसिटी और अनदर कंपोनेंट आपके पास परपेंडिकुलर। इसमें क्या बात कर रहे हो सर, कुल बल आपके पास कुल त्वरण के दो घटकों के आपके पास होते हैं, एक आपके पास वेग के समानांतर होता है और एक आपके पास प्रति आपके पास समानांतर होता है और दूसरा आपके पास वेग के लंबवत होता है। दोस्तों तीनों पॉइंट आप नोट कर लें, पॉज कर लें, काफी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा वन डायमेंशनल मोशन का आपके पास लेक्चर नंबर पार्ट नंबर थर्ड लेक्चर नंबर 10 आपने देखा, काफी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने समझ लिए और आपके पास न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन को भी बिल्कुल डीपली समझ लिया दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने आपके लिए जो न्यूमेरिकल एक दिया है, जो आपके पास वी एवरेज वाला 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2 के बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल बेस पे आपके पास एक दिया है, उसको आप ट्राई करना और आप सोल्व करना। यदि नहीं होता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी आपके पास और वीडियो बना दें दोस्तों। बिल्कुल टेंशन ले लें, हम कैसे कोर्स करवा रहे हैं दोस्तों, मिलके बोलो। सिलेक्शन बैच चल रहा है दोस्तों आपके पास, किस किस का, आपके पास सिलेक्शन बैच नेवी एनडीए और आर्मी का दोस्तों, उसी के बेस पे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत है। द पोजिशन ऑफ द एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरीज, आपके पास एक्स का आपके पास ए टी स्क्वायर माइनस बी टी स्क्वायर, द एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल वी जी वी इज इक्वल टू जीरो, आपके पास टाइम आपने निकाला, चार ऑप्शन आपके पास गिवन दे रखे हैं दोस्तों। इसमें आपके पास एक्स का मान फंक्शन दे रखा है, आपने निकालना है इसके अंदर एक्सलेशन निकालना है। सबसे पहले आपके पास मैंने क्या बताया था, क्या करो इसका, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालने आपके पास क्या हो जाता है, क्या दे रखा आपके पास एक्स, आपके पास इस केस में क्या दे रखा है, कोई कण आपके पास, मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, उसकी वैल्यू को आप जीरो के बराबर पुट करें और आपके पास ऑप्शन आपके पास मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ए बाई थ्री बी आपके पास ऑप्शन आपके पास मिलेगा दोस्तों। आप नोट कर लें, पॉज कर लें, क्योंकि आपके पास वेलोसिटी होता है आपके पास चेंज इन रेट ऑफ चेंजमेंट ऑफ आपके पास क्या कराता है, डिस्प्लेसमेंट कराता है, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू दे रखी है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो के बराबर, आपके पास करेक्ट ऑप्शन मिल गया ए बाई थ्री भी आपके पास। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने देखा किसके बारे में देखा, वन डायमेंशन मोशन के बारे में आपने देखा, आपने समझ लिया दोस्तों, बिल्कुल आपने पूरी तरीके से आपने समझ लिया, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वारी नहीं होगी मेरा मानना है। तो आप अगर मेरी यह वीडियो आप लोगों को अच्छी हो लगी हो पसंद आई हो तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने
प्रिय चैनल आशीष चिकना और मेरा नाम भी आशीष चिकना, अपने सर को और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और दोस्तों जो हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास प्रस्तुत हो जाए दोस्तों, ऑटोमेटिक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आप टेंशन न लें दोस्तों, हम फिजिक्स की तैयारी करवा रहे हैं स्पेशल बैच बना के आपके पास एयरफोर्स नेवी और एनडीए। तो दोस्तों जो बंदे हैं तैयारी कर रहे हैं आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, हम नौकरी लगेंगे दोस्तों, कॉन्फिडेंसली लगेंगे नौकरी एयरफोर्स आर्मी और एनडीए के अंदर।